हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो खास है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू मदर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि समय के साथ उनका मिल्क का प्रोडक्शन कम होता जाता है, या फिर उनका दूध पीने से उनके बच्चे की हेल्थ नहीं बनती है, या फिर जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो कम होता हो जाता है, या फिर वो कम स्टार्टिंग से रहता ही है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन, आपका लैक्टेशन बढ़ सके और आपके बच्चे की हेल्थ भी अच्छी हो सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। सबसे पहली चीज़ जो है आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए वो है ओट्स। हम सब लोग को पता है कि ओट्स आयरन में रिच होता है। इसको जब आप अपने डाइट में शामिल करती है तो आपकी बॉडी में जो पोस्ट प्रेगनेंसी एनीमिया की प्रॉब्लम है, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको पूरा करता है और कहीं ना कहीं मिल्क के प्रोडक्शन को कम करने में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए आप ओट्स को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करिए। सेकेंड है रॉ पपाया। हम सबको पता है कि राइप पपाया या पका हुआ जो पपीता होता है वो तो हमारे कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन को अच्छा करता ही है, लेकिन कच्चे पपीते को खाने से बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है बॉडी में तो मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने भी पर्सनली बहुत यूज़ करी थी वो है मेथी दाना। मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पहले से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। आप चाहें तो उसको रात भर पानी में भिगो करके सुबह उसका पानी पीजिए, या फिर उसको बॉयल करके उसकी चाय बना के और फिर आप उसको सिप सिप करके दिन में एक से दो बार पी लीजिए। इससे भी मिल्क का प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ता है। नेक्स्ट है कैरेट, गाजर। हम सबको पता है कि कैरेट विटामिन ए का रिच सोर्स होता है, साथ ही साथ ये लैक्टेशन को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन ए होने की वजह से आपके बच्चे की ग्रोथ में भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है वाटर एंड जूसेस। ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा नई माएँ लिक्विड का इंटेक करती हैं उतना ही ज़्यादा उनके मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो इसकी वजह से आपका जो अमाउंट ऑफ मिल्क है पर फीड वो बढ़ जाता है, और साथ साथ जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है मदर्स में वो रिप्लेस हो जाती है जूसेस और मिल्क की वजह से। नेक्स्ट है चिकपी या उससे बनी हुई चीज़ें, जैसे बेसन है, सत्तू है, कुछ भी ऐसा जो कि चने से बनता है, क्योंकि आप सबको पता है कि चिकपी चने प्रोटीन में रिच होते हैं और इसमें प्लांट ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि बॉडी में जाने के बाद न्यू मदर्स में लैक्टेशन या फिर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो आप चिकपी या चने को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको प्योर फॉर्म में कर सकते हैं, भिगो कर ले सकते हैं, बॉयल करके छोले के फॉर्म में, या फिर उससे बनी हुई चीज़ें जैसे बेसन या फिर सत्तू, ये सारी चीज़ें चिकपी से ही बनती है, तो आप किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं उसको। नेक्स्ट है आलमंड्स। हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी के बाद नट्स खाना कितना अच्छा माना जाता है, इसमें भी स्पेशली जो रॉ आलमंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि रॉ आलमंड्स एक तो प्रोटीन और कैल्शियम का रिच सोर्स होता है जो कि फीमेल की अपनी बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है, साथ ही साथ ये आपके मिल्क के क्रीमीनेस, स्वीटनेस और उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा देता है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, प्लस अमाउंट ऑफ मिल्क भी बढ़ जाता है इसको लेने से। नेक्स्ट है डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स। जितनी भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी आपकी न्यूट्रिएंट स्पेशली कैल्शियम में रिच होती हैं, साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल कंपाउंड फाइटोइस्ट्रोजन पाया जाता है जो कि आपके ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ाता है। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल्स के तौर पे ब्रोकली खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, लेटेस्ट जो सलाद के पत्ते आते हैं वो ले सकती हैं, खीरे खा सकती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक तो आपको ये हेल्दी भी रखेंगे क्योंकि आपका प्रेगनेंसी के बाद वेट भी गेन है तो आप चाहेंगे उसको मेनटेन करना, और साथ ही ये भी चाहेंगे कि आपकी मिल्क की सप्लाई भी कम ना हो। तो उस टाइम पे अगर आप डाइट पे हैं या फिर थोड़ा बैलेंस कर रही हैं अपने वेट को तो आप ये सारी चीज़ें ऐड करिए अपने डाइट में। ये दोनों ही तरीकों से आपको फ़ायदा करेगी, एक तो आपके बॉडी को शेप में लेकर आएगी, दूसरा इसका जो न्यूट्रिएंट अमाउंट है उससे आपका मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है गार्लिक। हम सबको पता है कि गार्लिक एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे को की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए ये न्यू मदर्स और बेबीज दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चे जब 6 मंथ के बाद बड़े हो जाते हैं तो इम्यूनिटी, तो उनके फूड में भी कहा जाता है कि गार्लिक को ऐड करना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए।
तो जब हम पहले से ही अपने ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या फिर अपने डाइट के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कराते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और गार्लिक को एक बेस्ट एलिमेंट माना जाता है आपके लैक्टेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो आप अपने डाइट में गार्लिक का इंटेक हर मील में जरूर करिए। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है काउ मिल्क। हम सबको पता है कि काउ मिल्क में कैल्शियम एंड ईएफए ये बहुत ही रिच अमाउंट में पाया जाता है, जो कि मदर और बेबी दोनों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज की जब काउ मिल्क आप ज्यादा लेती है तो आपके बच्चे में भी काउ मिल्क से एलर्जी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, काउ मिल्क से एलर्जी से भी बच जाते हैं। तो इसलिए आप न्यू मदर हैं तो आप अपने डाइट में मिनिमम 2 से 3 ग्लास मिल्क जरूर ऐड करिए। अगर आप उससे ज्यादा ले सकती हैं तो भी वो बहुत अच्छी चीज है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे और इन सारे एलिमेंट्स को आप अपने डाइट में शामिल करिए ताकि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ सके बिना किसी केमिकल के। केमिकल के तो बहुत सारे तरीके हैं, डॉक्टर बहुत सारे पाउडर और भी चीजें देती हैं, उसके साथ में भी आप इन सारी चीज़ों को ऐड करिए ताकि आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका ही प्यार है कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। तो आपको अपने नेक्स्ट इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबी।